नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। राजस्थान की 7 नई भर्तियों का विज्ञापन एक साथ होगा जारी। यह एक बड़ी खुशखबरी है। गहलोत सरकार के आते ही जो भी वादे किए थे उन पर काम जारी हो रहा है, और इसी साथ एक नई खबर सामने आई है कि राजस्थान में 7 नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है, और वो भी अति शीघ्र है। और माने तो ये एक नए साल का तोहफा होगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। अगर आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है खबर। अब विज्ञापन के साथ परीक्षा की तारीख भी होगी घोषित। आरपीएससी एक साथ जारी होंगे 7 नए विज्ञापन। ये आप देख सकते हैं, आरपीएससी एक साथ जारी होंगे 7 नए विज्ञापन, 7 नई भर्तियों के विज्ञापन, और विज्ञापन से के साथ साथ तारीख भी पहले घोषित होगी। यानी परीक्षा की तारीख पहले घोषित हो जाएगी और उसके बाद 7 भर्तियों के विज्ञापन घोषित होंगे। तो पूरी खबर को पढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी करने के साथ ही उनकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर देगा। वर्तमान में करीब 7 ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा तिथि तय होते ही उनका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी जो आरपीएससी है, जो सरकार है, वो उन भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने की देरी है बस, क्योंकि परीक्षा तिथि है जो इन भर्तियों की पहले घोषित की जाएगी और उसके बाद विज्ञापन जारी होंगे। तो पूरी प्रक्रिया तैयार है, बस परीक्षा तिथि घोषित उनके द्वारा जारी करने के बाद शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भर्तियों की जो पूरी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल तैयार है। अब बस परीक्षा तिथि देखनी है कि कब जारी होगी। तो परीक्षा तिथि जारी होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उस विज्ञापन का पूरा जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है। आरपीएससी अब तक पहले विज्ञापन जारी करता है और उसके बाद कुछ समय बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाती है। पहले ऐसा ही था, पहले विज्ञापन फिर परीक्षा की तिथि। तो अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है कि परीक्षा का आयोजन से कुछ समय पहले ही उसकी तिथि घोषित की जाती है, इस वजह से उन्हें तैयारी का समय नहीं मिल पाता। पहले क्या होता था, राजस्थान आरपीएससी द्वारा जो भर्तियां निकाली जाती थी, विज्ञापन जारी किया जाता था और उसके बाद कुछ समय बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाती थी, और लगभग एक महीने के अंदर वो परीक्षा हो जाती थी। तो अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि जो परीक्षा की तिथि है वो विज्ञापन के बाद घोषित की जाती है, और घोषित होते ही एक महीने पहले ही घोषित की जाती है परीक्षा के, तो उनको जो तैयारी का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए आरपीएससी ने अब की बार जो फैसला बदल लिया है, और उन्होंने पहले परीक्षा तिथि घोषित करेगा और उसके बाद 7 नई भर्तियों का विज्ञापन भी होगा जारी। आयोग अध्यक्ष दीपक उग्रेती ने इसलिए इस बार यह निर्णय किया है कि विज्ञापन भर्ती विज्ञापन के साथ ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाए। यानी विज्ञापन जारी होगा और परीक्षा की तिथि भी उसी के साथ जारी होगी। जो परीक्षा भर्ती का शेड्यूल है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन बस अब परीक्षा की तिथि निश्चित करना है कि कब रखी जाएगी, और वो निश्चित होते ही विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही आयोग को भी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए, तैयारी के लिए समय मिल जाएगा। यानी आयोग को भी पता पहले ही चल जाएगा कि कब परीक्षा लेनी है, उसका पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। वर्तमान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर और कॉलेज व्याख्याता सहित विभिन्न परीक्षाओं का विज्ञापन तैयार है। विज्ञापन बिल्कुल तैयार है, ये देखिए लिखा है विज्ञापन तैयार है, और आयोग इन भर्तियों की परीक्षा तिथि भी साथ में घोषित करेगा। आयोग की मंशा है कि नए साल की शुरुआत में इन विज्ञापनों को जारी कर दिया जाएगा, यानी 2019 की शुरुआत होगी, तो इन 7 नई भर्तियों का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, और ये नए इस वर्ष का एक तोहफा होगा। और इसमें अब की बार यह भी फायदा होगा कि जो परीक्षा की तिथि है वो पहले ही घोषित कर दी जाएगी, और उसके बाद विज्ञापन जारी होगा, उसी में परीक्षा की तिथि दी होगी कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो अभ्यर्थियों को जो परीक्षा की तैयारी के लिए पहले ही सूचित हो जाएगा कि कब परीक्षा होनी है, तो वो अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। और अब बस इंतज़ार है इन 7 भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का, और जो कि विज्ञापन बिल्कुल तैयार है, और
बस परीक्षा की तिथि आते ही इनका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसका विज्ञापन जारी होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, और आप स्टडी टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।